दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक इलाका पड़ता है, या ये कहिए कि मोहल्ला पड़ता है, कि जिसको हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। नाम सुनकर तो आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि हीरा मंडी मतलब कि हीरो की मंडी, तो जरूर ये कोई कीमती इलाका होगा। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये कोई कीमती इलाका नहीं, बल्कि आज के दौर में पाकिस्तान का सबसे बदनाम इलाका है। इतना बदनाम कि आज के दौर में पाकिस्तान का कोई आम इंसान चार लोगों के सामने अपनी जबान से इसका नाम भी नहीं लेता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान का ऐसा सबसे मशहूर और सबसे पुराना इलाका है कि जहां पर लोग पैसों के बदले सेक्स की तलाश में जाते हैं। यानी ऐसा इलाका कि जिसको आज के नए दौर में हम लोग वेस्टर्न लोगों की जबान में रेड लाइट एरिया बोलते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, के जो पहले से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अब इस हीरा मंडी पर भी एक सीरीज बनाई है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा रही है। शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हीरा मंडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इसके असली और सही इतिहास पर नजर डाली जाए। हीरा मंडी पर तो आगे बात करेंगे ही, मगर उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हमारे सवाल पर। और सवाल ये है कि भाई, इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर किसी दौर में मुगलों की राजधानी हुआ करता था? आपके ऑप्शन हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए और जितने भी लोगों के जवाब सही होंगे मैं उसको हार्ट दे दूंगा, यानी कि लाइक कर दूंगा, ताकि आप में से बाकी लोगों को भी सही जवाब का अंदाजा हो सके। वापस आए टॉपिक पर, तो हीरा मंडी यानी कि हीरो का बाजार, कोई दौर हुआ करता था कि जब इस बाजार में दाखिल होने वाले हर इंसान को हवेलियों से सिर्फ घुंघरू की आवाजें आया करती थीं। महसूस होता था कि मानो पूरा इलाका ही ढोल की आवाज पर थिरक रहा है। नाच गाना पेश करने वाली इन सभी लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। आज के दौर में भले ही ये तवाइफ वर्ड बहुत ज्यादा अजीब, गंदा और गलत समझा जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। इन तवाइफों को शायरी, मौसीकी यानी के म्यूजिक, इसके अलावा नाचने गाने वगैरह में महारत हासिल होती थी, और एक कलाकार की हैसियत से इन लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत भी दी जाती थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स दिया करती थी। हिंदुस्तानी तवाइफों का ये इतिहास तो हद से ज्यादा लंबा है, इसीलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं हीरा मंडी की। और हीरा मंडी की कहानी का आगाज होता है लगभग साल 1584 से, जब मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लाहौर पहुँचे। उसके बाद लाहौर ने तरक्की तो की ही, मगर साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग रंग भी देखे। बादशाह अकबर ने उस दौर में दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के रहने के लिए अपने लाहौर के किले के आसपास में एक रिहायशी इलाका बनवाया। बहुत जल्द ही ये एक मोहल्ले में बदल गया, और क्योंकि ये शाही दरबार के बिल्कुल पास में था तो इसको नाम भी दिया गया शाही मोहल्ला। इसके बाद अब धीरे धीरे इस शाही मोहल्ले में अलग अलग इलाकों से तवाइफों का आना शुरू हो गया। मेनली ज्यादातर तवाइफें काबुल के इलाके से लाई गई थीं। इनका काम होता था शाही दरबार में नाच गाना करके बादशाह का दिल बहलाना, या फिर उन दरबारी लोगों का जी बहलाना कि जो बादशाह के नीचे की पोजीशंस पर बैठे हुआ करते थे। इसी चीज को उस दौर में मुजरा कहा जाता था, और इस मुजरे को या फिर नाच गाने को सिखाने के लिए बाकायदा बादशाह की तरफ से उस्तादों तक को रखा जाता था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उस दौर में तवाइफों की इतनी ज्यादा इज्जत की जाती थी और उनको इतना बड़ा मकाम हासिल था कि दरबारी लोग तो दरबारी लोग बल्कि बादशाह वगैरह भी अपने बच्चों को तहजीब और सलीका सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। मुगल दौर में तो तवाइफों की ये शान और शौकत और शाही मोहल्ले की ये चहल पहल बरकरार रही, मगर जैसे जैसे अब मुगल एम्पायर कमजोर होना शुरू हुआ, यानी कि इसका सूरज डूबना शुरू हुआ, वैसे वैसे अब तवाइफों की शान और शौकत और इस मोहल्ले की इस चहल पहल का सूरज भी डूबने लगा। 18वीं सदी आते आते तो हालात अब इतने ज्यादा बदल चुके थे कि लाहौर के अंदर पहली बार वैश्यालय भी खुल गए थे। वैश्यालय खुलने की वजह से तो अमानो तवाइफों का काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि उस दौर में तवाइफ होना या फिर वैश्या यानी कि सेक्स वर्कर होना दो अलग अलग बातें थीं। मुगलों और अफगानों के बाद अब लाहौर पर राज कायम हुआ सिखों का, और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक बार फिर से तवाइफों का कल्चर यानी कि तवाइफों की संस्कृति वापस आई।
बल्कि बताया तो यहाँ तक जाता है कि खुद महाराजा रंजीत सिंह ही एक तवायफ के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और बाद में उन्होंने उससे शादी भी कर ली थी। हालांकि इस मामले को लेकर अलग अलग हिस्टोरिकल वर्जन हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि तवायफ से शादी करने की वजह से ही उनको कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, जबकि कुछ कहते हैं कि सिर्फ सजा सुनाई गई थी लेकिन कोड़े मारे नहीं गए थे। हालांकि इस मामले का एक दूसरा वर्जन भी है, जिसमें इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा रंजीत सिंह ने शादी नहीं की थी बल्कि उनको सिर्फ इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर के अंदर एक मस्जिद भी बनवाई कि जिसको मस्जिद तवायफ का नाम दिया गया था, और इसके बाद शाही मोहल्ले के पास ही में उसके लिए एक घर भी बनवाया था। अब सवाल ये है कि बादशाह अकबर की तरफ से बनाया गया ये शाही मोहल्ला आगे जाकर हीरा मंडी में कैसे बदल गया। तो दोस्तों, इसकी कहानी ये है कि सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोंगरा। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इन्होंने इस शाही मोहल्ले के अंदर एक बाजार की शुरुआत की थी। तवायफों के इस मोहल्ले में काफी भीड़भाड़ रहा करती थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बाजार में एक अनाज मंडी को भी बनाया जाए, और बस तभी से इसको हीरा सिंह दी मंडी कहा जाने लगा, जो आगे जाकर हीरा मंडी हो गया। सिक्कों के दौर में तो शाही मोहल्ले में रहने वाली इन सभी तवायफों को एम्पायर का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मगर फिर भारत के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके पर भी एक वक्त पर आकर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और अंग्रेजों का दौर आते ही हालात फिर से बदल गए। क्योंकि अंग्रेज तो जाहिर है माल कमाने आए थे, वो क्यों इन तवायफों वगैरह को भत्ता देकर अपना खर्चा करते। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से लाहौर के अंदर वैश्यालय खुलने लगे और इन तवायफों का कामकाज बंद हो गया। इवन अब तो तवायफें खुद भी रोजी रोटी कमाने के लिए जिस्म फरोशी के लिए मजबूर हो गई थीं। अंग्रेजों ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि हीरा मंडी का ये इलाका उनकी छावनी से काफी नजदीक था, और सबसे ज्यादा तवायफें वगैरह भी इसी इलाके में ही रहा करती थीं। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1860 के आसपास में इस इलाके में एक खतरनाक बीमारी फैली, जिसकी वजह से अब अंग्रेज लोग अपनी छावनी छोड़कर शहर से बाहर जाकर आबाद हो गए। बीमारी जब खत्म हो गई तो इस इलाके की जो हवेलियां थीं, जो आलीशान इमारतें थीं, उनको अमीर लोगों के द्वारा खरीद लिया गया, और इन्हीं अमीरों और रईस लोगों ने एक बार फिर से तवायफों की सरपरस्ती करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से तवायफों का ये कल्चर चलने लगा। फर्क बस इतना था कि अब मुजरा सिर्फ हीरा मंडी के अंदर ही दिखाया जाता था, जिसको देखने के लिए अमीर और मशहूर लोग हीरा मंडी पहुँचते थे। 20वीं सदी के शुरुआत में हीरा मंडी का खूब नाम हुआ करता था। इवन नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसी बड़े कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम, के जिनके नाम से दिल्ली का मशहूर गंगाराम हॉस्पिटल है, उनका घर भी यहीं पर हुआ करता था। उस दौर में ये इलाका दंगल के लिए भी जाना जाता था, मगर दंगल कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत यानी के म्यूजिक का दंगल। 1940 के दशक में तो यहाँ पर एक ऐसा बड़ा म्यूजिक दंगल भी हुआ था कि जो आज तक मशहूर है। ये मुकाबला था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद उम्मीद अली खान के बीच। इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों लोग पहुँचे थे। दोनों ही लोग रात भर गाते रहे और कोई भी किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में बड़ी मुश्किल से दोनों को रोका गया और दोनों को ही विजेता यानी के जीता हुआ घोषित कर दिया गया। फिलहाल उसके बाद सन 1947 में, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और लाहौर का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वैसे तो पाकिस्तान का बंटवारा ही इस्लाम के आधार पर हुआ था, मगर उसके बावजूद भी तवायफ का ये कल्चर अगले 3 दशकों तक लाहौर के इस इलाके में बरकरार रहा था। मगर फिर 1978 के दौर में जब पाकिस्तान की बागडोर जनरल जियाउल हक ने संभाली, तो उन्होंने मुजरे पर बैन लगा दिया और इस इलाके से तवायफों का कल्चर और तवायफों का वजूद भी खत्म हो गया। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इन इलाकों से तवायफों का ये कल्चर ये रिवाज खत्म हुआ, तो वैसे ही इन सारी चीजों की जगह अब वैश्यावृत्ति यानी के प्रोस्टिट्यूशन ने ले ली, और वो शाही मोहल्ला या ये कह सकते हैं कि वो हीरा मंडी का इलाका के जो इतिहास में किसी दौर में तवायफों के लिए मशहूर हुआ करता था, अब रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी के लिए मशहूर हो गया, और आज भी पूरे पाकिस्तान में इस इलाके की यही पहचान है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।